जी वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा, ये खजूर देख लें, ये सस्ते में लेके आया हूँ मैं, लेकिन ये इधर रक्षा आ गया, ये खजूर सस्ती है भाई, लेकिन जो मैंने बाय की है ना कल सुकरी खजूर, जो आपको पता है सऊदीया में आम है सुकरी, और मौसम भी देख लें जी आप कैसे बारिश चल रही है, मैं अभी आपको बैक कैमरे से भी सारा कुछ दिखाता हूँ। सुकरी खजूर मैं लेके कल गया हूँ 250 ग्राम यानी कि एक पाव 500 रुपए की, 2000 रुपए की किलो पाकिस्तान में। अजवा खजूर की बात करें तो अजवा खजूर 750 रुपए की एक पाव यानी कि 3,000-3,400 राउंड में 1 kg 1 किलो पाकिस्तान में अजवा और सुकरी 2000 रुपए किलो में मिल रही है पाकिस्तान में, और टेस्ट भी वो नहीं है जो वहां पर हमें मिलता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं बाजार में हूँ, कुछ चीजें ली है, वो आप चीजें भी आपको दिखा देता हूँ। महंगाई का तूफान है बाजार में यार, बेसिकली आपको बताने का मकसद ये वीडियो में यही होगा। ए किस तरफ जाऊं यार, रश लगा हुआ है आगे। मैं बैक कैमरा करता हूं आपको, बैक कैमरे से हम बनाते हैं वीडियो, आपको दिखाता हूं, साथ में मौसम देखिए कैसा खुशगवार है। ए बैक कैमरा किधर से होगा मेरे, मुझे लगता है कि वीडियो बैक कैमरे से दोबारा शुरू करनी पड़े, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अजी तो ये देख लें जी, मैं अभी बैक कैमरा ऑन कर लिया अपना मोबाइल का, और शहर के व्यू, आज जुमा तुल मुबारक, और आपको पता है मैं वीडियो भी आज ही अभी लगा रहा हूँ, यानी कि ये रिकॉर्डिंग की है मैंने, अभी घर जाऊँगा तो वीडियो अपलोड कर दूँगा आपके साथ। ये बात करने का सिर्फ मकसद ये है वीडियो में आपको, एक तो पाकिस्तान का मैं थोड़ा रंग दिखा दूँ, मौसम के भी, खुदा की कुदरत के भी, अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत बरस रही है, और रात से है जी, सुबह सारी टाइम मैंने जब रोज़ा रखा है ना उस टाइम माशाल्लाह बारिश हो रही थी, तो अभी भी दोबारा से बूंदाबांदी शुरू हुई है, और मैं थोड़ा मिरर को साफ़ कर लेता हूँ। हाँ जी बस, तो बाकी ये है कि आगे चलते हैं नीचे, भाई खड्डे भी पानी में बहुत है पाकिस्तान आपको पता है। तो जी ट्रक साहब गुजर रहे हैं, हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ का इशारा लगा लें वही बेहतर है पाकिस्तान में, आपको पता है। मेरा कॉरियर आया हुआ है, एक भाई है उसने भेजा है जी सऊदी अरेबिया से, और वैसे मैंने ये आल्टो बाय की हुई है जी, ये आपको दिखा दूं मैं, और आल्टो आपको पता है ये 2021 मॉडल है मेरे पास, और यही इसको आप न्यू मॉडल बोल सकते हैं, 2021-2022 पीछे मेहरान वाला है जी, मुझे इशारे लगाए जा रहा है, हॉर्न लगाया जा रहा है कि पीछे करो अपनी गाड़ी। तो बहरहाल जी वीडियो आपको, एक तो मौसम मैं दिखाता चलूँगा आगे, दूसरा ना आपको चीज़ मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये पड़े हुई हैं मेरे पास, 3 फ्रूट हैं जी, मैं केला ले गया हूँ, एक कल सेब कल ले गया हूँ, स्ट्रॉबेरी कल ले गया हूँ, उनके रेट भी आपको बता देता हूँ मैं, और ये जो मैंने अभी लिए हैं ना इनके रेट सुन लें पाकिस्तान में, आप कानों को हाथ लगाएंगे। हाँ सऊदीया वाले भाई एक चीज़ और है जी, आप भाई ये अभी ज़रूर सोचेंगे यार ये कौन सा महंगा है, कितने का बना 2 रियाल का, कितने का बना 5 रियाल का, तो भाई यार आपको महंगाई फील नहीं होगी, मुझे भी नहीं, अभी भी नहीं होती है यकीन कीजिए, क्योंकि मेरे मुझे आपको पता है मैं YouTube के ऊपर काम करता हूँ, YouTube से इनकम आती है, उसी से मेरा निज़ाम चलता है, लेकिन यकीन कीजिए जो बंदा सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है ना पाकिस्तान में, शाम को मिलता क्या है 800, 1000, 1200 यही मिलता है ना पाकिस्तान में, यही मजदूरी है। अभी 1000 कमाने वाला बंदा, ये चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो अंगूर है ठीक है गोल अंगूर रेड सा, ये 600 रुपये किलो मुझे मिला है, और जो ग्रीन है सऊदीया में आम होता है आपको पता है, तो थीम मार्केट पाना मार्केट में आम पड़ा होता है, वो 1200 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो तो मस्त बोल रहे हैं जी वो पाकिस्तान में। ये मैं आपको कंडीशन, अभी मैं इस तरफ जाऊंगा जी, इस तरफ का इशारा लगा लें वही बेस्ट है, रोडों का भी यही कंडीशन है भाई। तो बहरहाल ये अंगूर 600 रुपये किलो ठीक है, मैंने आधा किलो लिए। उसके बाद ये अनार है जी देख लें ठीक है, आपको एक तो मैं महंगाई भी साथ में दिखाता जाऊंगा, पाकिस्तान में जो रमज़ान शुरू होते ही महंगाई का तूफान बरपा हुआ है, ये अनार मुझे मिला है जी 500 रुपये किलो, 500 रुपये किलो ठीक है। आगे इसके साथ मैंने रखा हुआ है जी इस तरफ खजूर, ये खजूर देख लें यार कितनी की है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे, मैं ये बताऊँगा आपको, खजूर खजूर भाई ये जो मैंने ली है ये 450 रुपये किलो ली है, ये मैंने आधा किलो ली है, लेकिन ये बिल्कुल ब्रिक ब्रिक सी खजूर है और पाकिस्तानी होगी ये कन्फर्म बात है,
कल मैंने सऊदीया वाली खजूर सुन लें, जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, अभी फिर क्या रिपीट करेंगे यार वो आपको बात। तो बात ये है जी कि कल मैंने केला लिया 250 रुपये दर्जन, सेब लिया 300 रुपये किलो, आज वही सेब 350-400, केला 350-350। ये रमज़ान से पहले मैं ले गया था केला और सेब वगैरह और खजूर कुछ, तो ये अभी मैंने आज लिए हैं। चलो घर पर कुछ फ्रूट चाट वगैरह बनाएंगे, तो देख लें जी महंगाई का तूफान है पाकिस्तान में, यकीन कीजिए जो बंदा 1000-1500 कमाता है वो कैसे यार गुजारा करेगा इन चीज़ों में। तो बहरहाल आपको द बैंक ऑफ पंजाब एंड आगे आप वीडियो अभी स्किप करके जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हैं। मैं वीडियो थोड़ा इसलिए आगे बनाता जाऊंगा कि पाकिस्तान के आपको थोड़ा व्यू दिखाता चलूं, पाकिस्तान के रंग दिखाता चलूं। अभी इस तरफ देख लें बहार के फूल, माशाल्लाह देख लें कितने कितने खूबसूरत पड़े हुए हैं ये देख लें। हाँ 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 अभी बारिश तेज़ हुई है तो ये स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। भाई साहब रक्षे वाले पीछे आ रहे हैं, ये वीडियो इसीलिए मैंने बोला चलती रहने देते हैं कि थोड़ा चलो आप पाकिस्तानी ट्रैफिक, पाकिस्तानी मौसम इस वक्त यार खुशबू अलग है अपने देश की, ये तो बात मानने वाली है। और बारिश भी तेज़ हो गई है भाई, तू गुजर जा, मैं बाद में आ जाता हूँ, तू गुजर जा। हाँ जी आप साथ में अभी इंडिकेटर चला देते हैं हम भी, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं देगा, लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर भीग रखे हैं, इनको रास्ता पहले देना चाहिए यार। ये जो लोग हैं ना भाई, इनको रास्ता पहले देना चाहिए, ये जो मोटरसाइकिलों के ऊपर भीग रखे हैं। तो हमारी तो खैर यार, हम तो गाड़ी में हैं कुछ भी। ये रेलवे ट्रैक है जी, पाकिस्तान पूरे में बिछे हुए हैं, आपके गाँव में आपके शहर में भी होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा यार मुझे एक चीज़ कि मौसम कैसा लग रहा है आपको। माशाल्लाह इंतहाई अमेजिंग खूबसूरत, और रमज़ान का आज दूसरा रोज़ा, और देख लें जी आपके सामने वेदर माशाल्लाह ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं, आगे से कुछ आपको व्यू दिखाता जाऊंगा मैं, और हम सफ़र अपना करते जाएंगे। मैं आया हुआ था जी बाज़ार ये फ्रूट लेने के लिए, स्पेशली आया था मैं, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि इतना भाई पेट्रोल लगाने के बाद बंदा इतना फ्रूट थोड़ी ना लेने आएगा। मेरी सिस्टर थी, दो आई हुई थी मेरी बहनें, और आपको पता है कि आज जुमे है, पिछले जुमे मेरी वालदा की वफ़ात हुई है, तो वो हमने रमज़ान से पहले ही एक दिन उनके साते का जो ख़त्म होता है वो दिलवा दिया था। तो मेरी बहनें आई हुई थी, वो साते का ख़त्म दिलवाया, कल रमज़ान का पहला रोज़ा हो गया, हमने उनको रखा। और रोज़ा भी आपको पता है कैसे हो गया, रात 10:30 बजे ऐलान हो गया जी कि सुबह रोज़ा है, तो ये सीन था। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला की ज़ात बस रहम करे, करम करे तमाम मुसलमानों के ऊपर, यही दुआ है। तो रोज़ा भाई लोगों नू क्या गया पंजाबी चलक तो गलत कर लिए कि दूध नू दही ला लो उठ के सवेरे रोज़ा हो गया जी। सऊदी वालों के साथ ही हमने भी रोज़ा रखा। और उसके बाद दूसरी बात ये जी कि मैं अभी अपनी सिस्टरों को आज दूसरा रोज़ा है जुमे वाले दिन का, तो बोल रही थी कि हमने अपने घरों को जाना है वापस अभी, तो अभी उनको छोड़ने आया हुआ था मैं बाज़ार में, तो उनको छोड़ा है मैंने बकायदा गाड़ी में बैठा कर, गाड़ी निकल चुकी थी उनकी, उस टाइम तो बारिश नहीं थी, बारिश तो अभी बाद में शुरू हुई है, और मैं पीछे से इस वैन का इंतज़ार कर रहा था कि ये वैन गुजर जाए, हम इसके पीछे चलते हैं, क्योंकि ये बाद में ना मुझे को पता है मैं तो जाऊंगा भाई स्लो स्लो वीडियो बनाते जाएंगे, और ये बंदा जो है ना वैन वाला, ये बाइक वाले लड़के आपस में ना स्कूल लाइफ है भाई, स्कूल लाइफ में थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाती है आपको भी पता है। तो वैन वाला जो हमारे हमें पीछे से जीने नहीं देगा, पीछे से इशारे वो लगाता ही जाएगा, हारन लगाता ही जाएगा, तो इसलिए मैं इस तरफ रोड भी ख़राब है आप देख लें। मैं इधर कोरियर रहा, एक भाई ने पार्सल भेजा है, मोहब्बत का अपनी का इजहार किया है सऊदीया से, तो मैंने बोला चलो वो भी बाय कर लेते हैं। तो लोग भेज देते हैं यार कुछ ना कुछ चीज़ें, या वहाँ से जब आ रहे हों मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं, मुझे भेज देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यार उनका जो भी सूरत हाल है ना वो अपने काबू में रखूँ, लेकिन भाई यार देखें अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ ना तो कोई मुझसे प्यार करेगा, ये लिपट वालों का है जी। और इससे आगे देखते हैं, मैं MNP कॉरियर और वहाँ पर चलते हैं, तो वहाँ पर देख लेते हैं। बाकी व्यू मैंने आपको दिखा दिए हैं ब्यूटीफुल किस्म के, इंजॉय कीजिए। कमेंट में ज़रूर अपनी राय का जहाज़ ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान खूबसूरत है यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महंगाई खूबसूरत नहीं है।